मठाधीश और माफिया पेश करें, साधु संतों का अपमान नहीं कर रहे हैं? आज अपमान करें, मैं आपसे कह रहा हूं कि कल दो दिन पहले परसों जब प्रधानमंत्री गणेश पूजन में गए, प्रधानमंत्री गणेश पूजन में जाते हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को अच्छा लगता है, क्योंकि ये टोपी पहनने के लिए हामिद के यहाँ जाएंगे और बकरीद में ये रहेंगे तो बहुत अच्छा। अगर कोई रात को दरवाजे खुले आतंकवादियों के लिए तो केजरीवाल, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अच्छा लगेगा, लेकिन अगर जज के यहाँ कोई गणेश पूजन के लिए जाए तो इनको तकलीफ होती है। इसीलिए अखिलेश यादव आज महंतों को गाली दे रहे हैं, गोरखपुर पीठ को गाली देने का काम किया। अखिलेश जी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ता है। जो खड़गे जी ने कहा, खड़गे जी भूले नहीं, उन्होंने कहा 20 सीट आता तो जेल दे देता, यानी 76 का माहौल बनाना चाहते हैं। देश की जनता अब दोबारा इस देश में तानाशाह को पनपने नहीं देगा, इमरजेंसी नहीं लगा, तो कोई अंतर नहीं है। देखिए, आज टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य जो लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, उनको क्रिमिनल में भी जात दिखाई देता है। और जोगी जी को जो क्रिमिनल होते हैं वो केवल क्रिमिनल दिखाई देते हैं। यही अंतर है जोगी जी और यही अंतर है अखिलेश यादव में। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में केवल जात देखा और गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया, और जोगी जी ने केवल क्रिमिनल को कहा खबरदार, या तो घर में बैठो या ऊपर जाओ। वो जीत पा रहे हैं अपनी, सत्य की जीत हुई है, केजरीवाल सत्य की जीत हुई है, भ्रष्टाचार में बंद है, जमानत पर आए थेथर है, ये पक्का थेथर है ये सब लोग। एक वो मंत्री छूटा तो घूम रहा है गली गली 10 आदमी को लेके और कह रहा है कि जैसे आजादी की लड़ाई लेकर के आए हो। ये लोग थेथर है जिन लोगों ने देश के सामने शपथ लिया था, बेटा का कसम खाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। केजरीवाल आज पूरी सरकार केजरीवाल की भ्रष्टाचार के दलदल में है, जमानत पे छूटा है, केस नहीं खत्म। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।